पीपल्स पार्टी ने नून लीग और पीटीआई की विकटें गिरा दी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका दे दिया। जराए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के रहनुमाओं ने पीपीपी रहनुमा नैयर बुखारी की क्यादत में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब के नायब सदर राना इर्तजा और फैसलाबाद से साबिक उम्मीदवार सूबाई असेंबली सैयद मोहम्मद अली शाह ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना अरसलान जावेद ने भी पार्टी को अलविदा कहकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनके अलावा हरिपुर से साबिक आजाद उम्मीदवार जुल्फकार कुरैशी और हरिपुर से ताल्लुक रखने वाला अली जवाद भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज, रिपोर्टर और इक्तसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन्स पर। कि अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल आवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, लैक मिलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुतालिक आपके पास हैं हकायक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 03370317। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।